सब्सक्राइब कीजिए न्यू स्पेस चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, तो फिर मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। 2 रुपये के ऐसे टाइगर वाले नोट के बाद 2 रुपये के डिज़ाइन में चेंज किया गया था, और नए डिज़ाइन में ऐसे सैटेलाइट वाला 2 रुपया इशू किया गया था। और ये जो सैटेलाइट का पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं 2 रुपीज़ के पीछे, ये सैटेलाइट है हमारे भारत के, और इस सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सैटेलाइट वाला इस 2 रुपीस नोट के बारे में, जानेंगे कौन कौन से गवर्नर के सिग्नेचर में इस नोट को इशू किया गया था, जानेंगे इस नोट का प्राइस, जानेंगे वैल्यू। टोटल 8 अलग अलग गवर्नर के सिग्नेचर में इस नोट को इशू किया गया था। सबसे पहले गवर्नर थे के आर पुरी, उसके बाद एम नरसिम्हम, आई जी पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके बाद अमिताभ घोष, उसके बाद आर एन मल्होत्रा, एस वेंकटरमन, और एंड में थे सी रंगराजन। और किसी भी सिग्नेचर में ऐसे 2 रुपीज सैटेलाइट वाला नोट का कीमत है यूएनसी कंडीशन में 10 रुपीज से 20 रुपीज। लेकिन अगर आपके पास ऐसे 2 रुपीज नोट का गड्डी है, पैकेट है, मतलब जिससे 100 नोट बनता है, ऐसा गड्डी है, तो उसका कीमत और भी ज़्यादा हो सकता है। और अगर आपके पास एक सिंगल नोट है और उसमें कोई फैंसी नंबर है, जैसे 786, 786 1000, या फिर 00001, या फिर 11111, या फिर 4444, ऐसा अगर कोई फैंसी नंबर आपके पास है, तो आपको एक सिंगल नोट का कीमत नॉर्मल नोट से बहुत ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। ऐसे फैंसी नंबर वाला एक सिंगल नोट का कीमत डिपेंड करता है कलेक्टर्स के ऊपर, कलेक्टर्स कितने में खरीदना पसंद करेंगे, और सेलर के ऊपर, सेलर कितने में सेल करना पसंद करेंगे। प्राइस डिपेंड करता है सेलर और बायर्स के ऊपर। और दोस्तों, ऐसा एक सिंगल नोट 1 लाख में बिकता है, 2 लाख में बिकता है, 5 लाख में बिकता है, ऐसे बातों से सावधान रहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर लिखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।